स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन। एज यूजुअल जैसे कि हम एसएस के वीडियोस में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसी तरह से आज हम ज्योग्राफी का एक और चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ। हाँ, काफ़ी इसके पहले के जो चैप्टर है वो बाकी है, वो हम फिर करेंगे। अभी हम करेंगे ये चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ। एज यूजुअल जैसे आपको पता ही है कि फेसबुक और टेक्स्ट बुक आपको अपने पास रखनी है, टेक्स्ट बुक नहीं तो डजंट मैटर, बट फेसबुक आपको अपने साथ ही रखनी है, जिससे कि स्क्रीन के ऊपर अगर जहाँ भी नोट्स आते हैं तो वो आपको उसमें नोट डाउन करने, अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें हाईलाइट कर देना, फिर वीडियो के एंड के बाद आप कभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, हियर ऑन द स्क्रीन चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ। India has a diversified relief and climate. Similar diversity is seen here in the wildlife. In the entire world, about 15 lakh species of wildlife are recorded, of which 8.251 species are found in India. These include reptiles, mammals, fish, and other insects. Explorations continue to identify other animals found in different forests. India is the sixth position among the countries रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर है, जंगली जो लाइफ है, जंगली जानवर है उनके रिलेटेड चैप्टर है। तो चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही कहा गया है कि इंडिया हैज ए डाइवर्सिफाइड रिलीफ, मतलब कि अलग अलग विविध प्रकारों के आपको यहाँ पे जीव जंतु, इंसेक्ट, प्राणी है, एनिमल से वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जो एक साथ एक ही जगह पर या अलग अलग एरिया के अंदर आपको वो चीज़ें मिलेगी। अब इनके हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15 लाख स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, 15 लाख अलग अलग तरह की स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिकॉर्डेड, ऑफ विच जो मतलब रिकॉर्ड की गई है, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि अनुसार देखा गया है कि ये स्पीशीज, ये स्पीशीज उसको लिखा गया है, तो उसको कहा गया है रिकॉर्ड की गई है, 81,251 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। 15 लाख स्पीशीज है, 81,251 स्पीशीज जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कौन सी चीजें आती है, रेप्टाइल्स आ गए, मैमल्स आ गए, फिश आ गए और दूसरी अलग तरह की इंसेक्ट्स। और कहा गया है कि आइडेंटिफाई अदर एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट, अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के दूसरे भी एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, वो सब पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर इंडिया है वो पूरे ओवर द वर्ल्ड सिक्स पोजिशन पर है रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब के ये जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम सिक्स पोजिशन आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया हैज लेस्ट फॉरेस्ट कवर कंपेयर्ड टू देयर, इट्स वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज नोटिसेबल। अब यहाँ क्या कहा गया है, ऊपर हम सिक्स पोजिशन पे आते हैं, लेकिन ये जो सिक्स पोजिशन पे आते हैं उसके हिसाब से अगर हम फॉरेस्ट का एरिया देखा जाए तो बहुत कम है ये एरिया पे आने के लिए। हाँ, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि सिक्स पोजिशन पे फिफ्थ पोजिशन आ रहे हैं तो मतलब भाई वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफी बड़ा होगा, लेकिन नहीं, हम सिक्स पोजिशन पे आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, बहुत कम है। इसकी वजह से कहा गया है कि ये डाइवर्सिफाइड को ऐसे नोट करने जैसा कि नहीं कम है, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज है वो ज्यादा पैमाने पर पाई जाती है। जू, जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। Natural vegetation regions have been devised on the basis of the characteristics. Similarly, a spatial distribution can be made for animals. The wildlife of India is divided into 9 zones according to the similarity in their characteristics and their existence in any region. अब यहाँ क्या कह रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन की बात हो रही है जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिवाइड किया, आपको अलग अलग तरह के उसके अंदर पाई जाती है, आपको मिलेगी। फिर सिमिलरिटी है एनिमल्स के अंदर है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की हुई मिलेगी। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ है इंडिया के अंदर है वो अलग अलग तरीके से 9 जोन, यहाँ पे बात करिए कि 9 जोन के अंदर उनको डिवाइड कर दिया है, 9 जोन के अंदर उनको रख दिया है, जिससे कि उसको ऊपर ध्यान रखना, उनका कैलकुलेशन करना, उनकी सेफ्टी करना उसमें ईजी रहे। तो वो कौन सी 9 जोन है, बल्कि वो आपको यहाँ पे नाम दिए है, देखिए हिमालयाज है, नंबर 2 लद्दाख है, ड्राई कोल्ड एरिया है, नंबर 3 फॉरेस्ट कवर इन लोअर हिमालय, नंबर 4 हाईलैंड विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालय, नंबर 5 नॉर्दर्न प्लेन, नंबर 6 डेजर्ट ऑफ राजस्थान, नंबर 7 पेनिनसुलर प्लेटो, नंबर 8 सी कोस्ट एंड नंबर 9 नीलगिरी हिल्स। बायोडाइवर्सिटी इज स्टडीड अकॉर्डिंग टू दिस जू जियोग्राफिकल रीजन। अब बायोडाइवर्सिटी को जब स्टडी की जाती है तो वो लोग ये 9 चीजों को ध्यान में रखते हैं, उनके ऊपर स्टडी की जाती है।
चीज आपको बताने का रहेगा, ये जो आगे स्पीसीज के नाम आए थे वो आपका एक नोट रहेगा, खास से अपनी फेसबुक के अंदर नोट कर लीजिए कि 15 लाख स्पीसीज के रिकॉर्ड की गई, उसमें से 15 लाख स्पीसीज में से रिकॉर्ड की गई 81,251 स्पीसीज है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है, और उसके साथ ये इंडिया में वो 6 पोजीशन पर आता है, ये आपकी सेकंड नोट रहेगी। तो ये 9 जो जोन है वो आप मेमोराइज कर लेना, नोट लिखनी है तो भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर के अंदर भी ये आएगा, तो वहां से आपको मेमोराइज करना है, यहां लिख लेते हैं तो मेमोराइज करने में इजी रहेगा। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, द वास्ट एनिमल प्लेन्स ऑफ रिवर पेनिनसुलर प्लेटो माउंटेन्स रीजन स्वैम्पी एरियाज यानी कि दलदली एरिया का सी कोस्ट डेंस रेन फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कोनिफरस फॉरेस्ट इन हिमालयस एंड अदर हायर रीजंस फॉर्म अ वास्ट बैकग्राउंड ऑफ द हैबिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये सब उसका अपना जो वाइल्ड लाइफ है उसका एक वास्ट बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो उनको यहाँ पे बसने में वाइल्ड लाइफ को यहाँ बसने में हेल्पफुल रहता है, मदद करता है। द एनिमल्स सीन आर एसिड एलिफेंट इन पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट वन हॉर्न राइनो इन स्वैम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर स्नो लेपर्ड इन हायर हिमालयस वाइल्ड बोर्स इन मस्ट डियर इन जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड बफेलो टाइगर इन सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट बंगाल गुटकर इन लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड फ्लामिंगो इन वाटर लोग ग्रेट रन। अगर आप देखें तो जो ये 9 ऊपर के हमारे जोन थे वो जोन के रिलेटेड ही अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग एरिया है, वो सब ये 9 जोन के अंदर ही आए थे। अलग अलग एनिमल जो जहाँ पाए जाते हैं वो ये 9 जोन के रिलेटेड इसी एरिया के अंदर आपको ये एनिमल्स वो मिलेंगे। Presence of great Indian bustard in the grassland area is noted again. In the water logging area, migratory birds from cold region came down in great number. Migratory birds तो आपको पता ही है जो traveling करते रहते हैं एक place से दूसरी place। यहाँ पे क्या पता है कि cold region के अंदर से मतलब इस तरफ आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि cold region से होते हुए summer में आते हैं या summer से होते हुए कि season आती है तो cold region में जाते हैं। ये birds जब एक जगह से दूसरे का migrate करते रहते हैं। This includes Siberian crane, pelican, Tibetan duck, poonch, karkara, etc. ये सब birds के नाम हैं। आपको अलग-अलग animals के यहाँ पे नाम मिलेंगे। कोई नाम अगर आपने नहीं सुना है उनके बारे में देखना है तो नाम आप गूगल पे सर्च करना, आपको उस animal की इमेज वहाँ पर मिल जाएगी। Flying squirrel are seen in the dense forest of forest grass. Yes, flying squirrel जो उड़ती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करती है, लेकिन उसके इस तरह से स्ट्रक्चर है कि वो थोड़ी फ्लोट कर सकती है, वो इजीली हवा में फ्लोट कर दिया आम स्क्विरल के जो फ्लाइंग स्क्विरल का। निकोबार डव इज रेयर बर्ड सीन इन निकोबार आइलैंड। रेयर स्पीशीज ऑफ कोरल्स आर सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड अलोंग विद मैमल्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स नोटिस शुड बी टेकन ऑफ किंग कोबरा स्नेक्स पाइथन इगुआना इगुआना आल्सो अलोंग सी कोस्ट एंड अदर वाटर बॉडीज वेरियस स्पीशीज सी snakes, dolphin, shark, dugong, octopus, whale, etc. form a part of animal world. ये सब यहाँ पे आपको बताए कौन से animals कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से region के अंदर, कौन से area के अंदर आपको कौन सा animal है जो वहाँ पर मिलेगा। Besides, forest animals like fox, wolf, nilgai, deer, mongoose, rabbits, wild hog, head geo are seen इन एग्रीकल्चर एरियाज। ये सब एनिमल्स आपको खेती करने लायक जो जगह है खेतर है वहाँ पे आपको पाए जाते हैं, वहाँ इसीलिए आपको मिल जाएंगे। मेनी बर्ड्स सच एज मैटिंगल पैरट पिको वेवर बर्ड चिबरी पिलर वल्चर काबर ढोल बगला एक्सेट्रा ऑल्सो सीन रोमिंग इन दिस एरिया। ये इसके अलावा ये सब बर्ड्स है वो भी आपको एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर घूमते हुए आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। ओके, एक लाइक टू नो है, ये भी टाइम के रहेगा, इसके नोट्स आपको बना लेने हैं। पॉइंट बाय क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। क्रेन है वो सबसे बड़ा जो बर्ड यहां पे पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा बर्ड है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। फुलसुम गानो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। फुलसुम गानो है वो बर्ड्स में सबसे छोटा बर्ड है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे बड़ा बर्ड पता है, यहाँ पे सबसे छोटा जो इंडिया के अंदर पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा या सबसे छोटा नहीं है, स्पेसिफाई करना इंडिया का सबसे बड़ा और छोटा।
बर्ड विंग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई सीन इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के अंदर दिखने वाली सबसे बड़ी बटरफ्लाई है. और सिराज जवेल इज द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई. ये सिराज जवेल वो सबसे छोटी बटरफ्लाई है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है. एक मार्क्स में या आंसर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन. तो ये चारों चार आपके नोट्स रहेंगे, तो उनको भी नोट डाउन कर लेना. ओके स्टूडेंट्स. ओके, वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन. While going through the past, it becomes evident that there is a danger to the existence of the wildlife since last few decades. अगर यहाँ पे इनको क्या कहते हैं कि last few दशकों की बात करते हैं, तो उनके मुकाबले अभी है wildlife कैसे extinct होता जा रहा है, यानी कि खत्म होते जा रही है. जो जानवर है वो लुप्त होते जा रहे हैं. काफी ऐसे जानवर है जो पहले वो काफी हजारों में आपको देखने मिलते थे, लेकिन अभी है वो लुप्त होते जा रहे हैं. Before 100 years, thousands of tigers were seen in India. एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर 100 साल पहले की बात करते हैं तो टाइगर से वो कई थाउजेंड्स, आपको कई हजार आपको टाइगर से वो देखने मिलते थे. As per the figure of 2014 given by Forest and Environment Ministry, the figure is 2226. अगर हम 2014 का एनालिसिस करें, जिसका एनालिसिस फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया हुआ है, तो हमारे पास फिगर निकलता है 2226 टाइगर्स ही हमारे पास अभी अवेलेबल है. बाकी सभी उनकी डेथ हो गई है, वो खत्म होने की कगार पर है. टाइगर्स हैव ग्रोन इन द नंबर्स व्हिच इज एविडेंट फ्रॉम द इंप्रिंट्स ऑफ देयर फूड टेकन ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स. अब ये कैसे अंदाजा लगाते हैं, उनके फुटप्रिंट के थ्रू उनको अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे इतने टाइगर्स है. ये उसके फिक्स तो ऐसा नहीं बोल सकते कितने ही है, लेकिन ये एक तरह का अंदाजा लगाया गया. दिस इज अ गुड साइन, एक अच्छी साइन ऐसा कहा गया है. वल्चर आर वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ईटिंग द मीट व्हिच बिकम पोल्यूटेड बाय डायोट्रोफिक्स द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिक मिल्च कैटल. अब यहाँ एक और एनिमल की बात हो रही है, वल्चर. वल्चर जो बर्ड है जो मांस खाता है, मतलब जानवर का मांस खा के जीता है, वो भी खत्म होने की कगार पे आ गया है. उसका उन्होंने रीजन दिया है कि पोल्यूटेड बाय डाइक्लोफेनिक ड्रग, डाइक्लोफेनिक ड्रग्स के वजह से वो मर रहा है. अब डाइक्लोफेनिक ड्रग्स की वजह से कैसे मरता है, तो उसका रिजल्ट में लिखा है कि जो मिल्च एनिमल है, जो कैटल एनिमल है, उनको ट्रीटमेंट के दौरान ये ड्रग्स दिया जाता है, उनको ये ड्रग्स दिया जाता है जिससे कि उनका ठीक हो सके. और मान लीजिए उस वजह से अगर ये मर गए और वो मरा हुआ जानवर अगर वल्चर खाता है, तो वो ड्रग्स वल्चर को बीमार कर देता है, जिसकी वजह से वल्चर की डेथ हो जाती है. Leopards seen in the forest in the beginning of 20th century have become extinct from India. अभी leopard है वो देखे जाते थे इंडिया के अंदर, लेकिन वो भी अभी क्या हो गए, extinct हो गए. अभी इंडिया के अंदर देखे नहीं जाते हैं. 20th century के अंदर देखे जाते थे, लेकिन अभी extinct हो गए वो. Once the acidic lions of deer which were seen even up to the Middle East are now restricted to deer forest only. अभी acidic lions की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि forest के अंदर acidic lion देखने मिलते हैं. पहले वो पूरा आपको मिडिल ईस्ट के अंदर ये जानवर आपको देखने मिलता था, लाइन देखने मिलता था, लेकिन अभी सिर्फ आपको गिर फॉरेस्ट के अंदर ये एनिमल आपको देखने मिलता है. बेसिकली आप जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हर एक जगह पे कभी कभार ये चीज देखने मिल जाती है, लेकिन मेन आपको गिर फॉरेस्ट के अलावा बहुत कम जगह पर ये अवेलेबल होते हैं. विद ड्यू स्टेप्स टेकन फॉर देयर प्रोटेक्शन नाउ देयर नंबर्स इज 523. अब उनको प्रोटेक्शन देते हुए उनकी वो नंबर बचे थे 523 नंबर दिया कि इतने लायन वो भी है. वंस क्रेन्स वर सीन इन लार्ज नंबर इन गुजरात बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस. क्रेन से ये भी एक तरह का एनिमल है जो बर्ड्स है जो देखने मिलता था, लेकिन अब वो भी लुप्त हो गया, बहुत कम हो गया वो भी. वाइल्ड लाइफ इज एन इनसेवेबल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट द डिक्रीज इन द नंबर्स समवेयर इन फॉर सम इयर्स reduce the quality of environment which is a matter to concern. अभी wildlife मतलब कि जो जानवर है वो हमारे environment के लिए भी काफी जरूरी है. अभी उनकी कमी की वजह से हमारा environment के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए इन्होंने कहा है कि ये बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम wildlife को कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे सेव कर सकते हैं. तो इनको बचाने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, ये मैटर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट को संभालने में काफी हेल्पफुल रहते हैं. श्याम गुरु यानी कि ईगल अ रेसिडेंट ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट इन गुजरात इज नाउ रेयरली सीन. श्याम गुरु थे वो माउंटेन से क्या के अंदर जंगलों के अंदर पाया जाता था, लेकिन अब वो बहुत रेयरली देखने मिलता है वहां पे. चिलोत्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका इज रेयरली सीन टुडे. चिलोत्र भी है वो भी काफी रेयर हो गया है, इसीलिए देखने नहीं मिलता.
It is obvious that endless human greed and the run of progress have made environment imbalance, which would bring adverse result. अब हमारी जो कभी खत्म ना होने वाली जो हमारी लालच है, वो लालच की वजह से हम हमारा एनवायरनमेंट को इम्बेलेंस कर रहे हैं। इस वजह से जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बहुत ही खराब आए, आप भी रहे और इससे भी ज्यादा और खराब आने वाला है। स्टिल देयर इज अ टाइम, इफ प्रॉपर एक्शन इज नॉट टेकन देन द नेक्स्ट जनरेशन वुड सी द वाइल्ड लाइफ ओनली इन पिक्चर। अगर इसका हमने कोई अच्छे से कोई इलाज नहीं किया, अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए, तो जो जानवर हमने देखे हैं, जो एनिमल्स हमने देखे हैं, वो आने वाले जनरेशन सिर्फ इमेजेस और वीडियोस के अंदर ही देख पाएंगे, रियल में कभी नहीं देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था वाइल्ड लाइफ, उसका फर्स्ट वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इतना इंटरेस्टिंग था कि बीच में आपको नोट्स बताना भूल गया, आपके हिसाब से आपको जो जो नोट्स इसमें मिल रही है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, जिसके क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन में आपको इजी रहेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट ही रखना, लास्ट में भूलना ना पड़े, इसके लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जिससे लास्ट में आपको हेल्पफुल काफी हेल्प लगेगी। लास्ट में कर लेंगे ये आप मत रखना, अभी हम नाइन्थ में है, थोड़े टाइम में आप टेंथ में आ जाएंगे, काफी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आलस छोड़ दीजिए और कभी भी जरूरत पड़ती है मेरी, एनी टाइम आप मुझे मेरी हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।